हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ्लानर। श्रेणी सप्तम पिले आज वीडियो रे तुम विज्ञान बहर जो पंचम अध्याय जाना हूँ पोषण। यही पाठर पिला मैंने समस्त प्रश्न उत्तर को आम यही वीडियो रे डिस्कस करवा, तेणु कहीं मत वीडियो को स्किप करना कहीं ना। आम वीडियो रे प्रश्न उत्तर को आम एम डिस्कस करवा जमी तुम जदि यही प्रकार ही लिख परीक्षा तेज तुमको कहीं काटिपारे ना। द्वितीय कथा है परीक्षा पे मैंने तुम प्रश्न उत्तर रू ही बहुत गुड़े प्रश्न तुम परीक्षा आसो, से प्रश्न उत्तर को अति हाल्का भाव में ढिला भाव में नब ना, ठीक अच्छे ना। तो चलो स्टार्ट करवा। देख पे एक नंबर क्वेश्चन देला आम खाऊ खाद्य उपादान गुड़िक नाम लेख। आम जो खाद्य खाऊे पे मैंने श्वेतसार था, पुष्टिसार था, स्नेहसार था, धातुसार था, आउ जीवसार आ जल मध्य पे था, ठीक अच्छे ना। छ प्रकार सार था। जीवजगत काम करने शक्ति सूर्य ही पाई यह कहीं सत कारण सह दर्शाओ। देख पे सबुज उद्भिद सौर शक्ति उपस्थित कौन कर जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया संघटित करो वायुमंडल अंगारकाम गैस आटी जल संजोग घटे स्वतंत्र जितिय खाद्य प्रस्तुत करें आलोक श्लेषण प्रक्रिया आम कही। श्वेतसार को उद्भिद प्राणी मैंने खाद्य रूप व्यवहार करती प्राणी मैंने खाद्य शक्ति पाती तेणु जीवजगत काम करने शक्ति आम सूर्य ही पाऊे कहीं सूर्यों ठार जो रश्मि आस रश्मिर प्रेजेन्स ही गच रोसई कर पड़ी तो गच अंगारकाम गैस जल सूर्यालोक उपस्थित ही रोसई कर पारे से सूर्य इंपोर्टाट अटंती। ओके तीन नंबर क्वेश्चन देख सुअभोजी आ परभोजी प्रत्येक तीनो लेखे उदाहरण दि। सुअभोजी उदाहरण होती शैवाल। सुअभोजी अर्थ जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करेंगे आम सुअभोजी कह तो शैवाल आंब गच झाऊ गच इत्यादि। परभोजी मीन जी अन्न खाद्य पर निर्भर कैसे परभोजी कहवा से कबक निर्मूली अपघटक बीजाणु मनीष इत्यादि। चार नंबर क्वेश्चन तुम्हें मनीष को सुभोजी परभोजी और मृत्युभोजी मधुर क्यों श्रेणी रख कहीं देख मनीषर सबुज गणा न थाए तेणु से निज खाद्य निज खाद्य निजे प्रस्तुत करना आलोक श्लेषण प्रक्रिया करना तेणु मनीष सुभोजित ना मनीष सुभोजित ना। नेक्स्ट आसला मनुष्य मृत उद्भिद प्राणी मान खाद्य संग्रह करें तेणु मनुष्य मृतभोजी नुहे कि मनुष्य खाद्य ग्रहण पर उद्भिद आदि प्राणी अन्य प्राणी मान निर्भर कै तेणु मनुष्य गोटे परजीवी हो पार कौन पार परजीवी हो पार ठीक अच्छे। पांच नंबर क्वेश्चन देख निज खात निम्न सारणी पर एक सारणी तैयारी कर आ सारण खालचान पूरण कर क्या कहते परजीवी आम क्या कहते। देख जो मैंने अन्य उद्भिद प्राणी खाद्य संग्रह करते मृत सरी भूल कहली भूल कहली भूल कहले आम परजीवी कौच ना यहाँ देख अरे रही टे कौन देटा मृतजीवी परजीवी सहजीवी पे टे भूल देख ये सहजी ना सहजीवी ये आसो यहाँ हूँ सहजीवी है कि आतजीवी हूँ यहाँ यहाँ हूँ परजीवी भूल तो परजीवी आम का ना जो मैंने अन्य उद्भिद आ प्राणी ठार खाद्य संग्रह करती आम परजीवी कह मृतजीवी का कहवा ना मृत प्राणी आ उद्भिद ठार जो मैंने खाद्य संग्रह करते मृतजीवी आ सहजीवी अर्थ हो आश्रय पोषण पर मिलमिश रहा सहजीवी बोली कहुए परजीवी उदाहरण हूँ निर्मूली मृतजीवी उदाहरण हूँ छतु आर हूँ लाइकेन क्योंकि खाद्य पाती ना मैंने अन्य गचर कांड खाद्य पाती परजीवी मैंने ये मृत उद्भिद प्राणी बाहर सहजीवी शैवाल ठार पाई ठीक अच्छे। छ नंबर क्वेश्चन प्रत्येक गोटे उदाहरण दियो उभय सुभोजी और परभोजी भाव पोषण संग्रह कर उद्भिद उभय सुभोजी और परभोजी भाव पोषण संग्रह कर उद्भिद हूँ कमंडल जबक्षारजान विबंधन डाल जातीय गच को साहय कर बीजाणु हूँ आमर कौन ना हूँ राइजोबियम राइजोबियम। सूर्यलोक रु शक्ति संग्रह पत्र कणिका से हरित लवक हरित लवक। सात नंबर क्वेश्चन तालिकार शब्द मधुर ठीक टी बाछी सुनसान पूरण कर कीटपतंग मान को खाई जाऊ उद्भिद हूँ कमंडलु शैवाल और कबक मध्य सहजीवी अवस्था हूँ आमर लाइकेन
आ नंबर क्वेश्चन पत्र रे श्वेतसार खाद्य प्रस्तुति पाई जे गुड़ी को आवश्यक से गुड़ी को लेख बोल से कही तो आमको दरकार देख जल दरकार अंगारकाम्ल दरकार सूर्यलोक दरकार तीन टा दरकार। नौ नंबर क्वेश्चन निम्न परिपाक विभाग विभिन्न अंगर नाम लिखाई खाद्य खाइले के अंगर के अंग को जाए ता क्रम लेख बोल से कही तो देख प्रथम पे आस मुख गहर कौन आस पे देख आग आस मुख गहर ये एक नंबर मुख गहर पे खाद्य जो खाद्य नल को दुई तार जो पाकस्थल पाकु तीन तार ग्रहणी पाकु चारि तार क्षुद्रांत पांच तार बृहतंत्र छह तार मलकोष्ठ सात तार मलद्वार आठ इमिति वे जीव। ओके दस नंबर क्वेश्चन शून्य स्थान पूरण कर परिपाक तंत्र सब बड़ बड़ आकार अंगर नाम हूँ पाकस्थली ना हूँ पाकस्थली परिपाक तंत्र सब लंबा अंगर ना हूँ क्षुद्रांत। ओके क्षुद्रांत पाकस्थली डेस् 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 रस क्षीरित हुए पाकस्थल पे मैंने गोटे हूँ पाचक रस आड़ हूँ लवणाम्ल लवणाम्ल आड़ हूँ पे लाल जहाँ रेनिन पेप्सिन लवणाम्ल कहे क्षुद्रांतर अंत पर अंत आवरण से आंगुली पर उठा अंश को कौन कहता कह पाने भिली भिली आम बार हजम काज डेस रही थाए तार रसधानी प्रत्येक प्रश्न उत्तर गोटे बा दुईट धाड़े लेख पित्तरस क्यों क्षीरित हुए और यह क्यों प्रकार खाद्य हजम साहय कै देख बोले पित्तरस पित्त कोषर क्षीरित हुए और यह चर्बी जातीय बा जो स्नेहसार युक्त खाद्य हजम करें साय कर ठीक अच्छे। विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता भाग नहीं पे ग्लुकोज दि जाए कहीं कहना देख ग्लुकोज पे मैंने सीधा सड़क रक्त मिसे आ ग्लुकोज जारित हेल्ले शक्ति मिले तेणु क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग नहीं पे ग्लुकोज खावा ग्लुकोज पा पीवा दि जाए नेक्स्ट है शाग सहजे हजम हुए ना बोली कहती यार कारण कौन देख मनुष्य खाद्य नली में सिकम अंधनाल न थाए जोटा कि मानने गाई पशु मान थाए कि आम न थाए तेणु सेलुलोजुक्त खाद्य आम शरीर में सहजे हजम हुए ना तेणु शाग सहजे हजम हुए ना बोली कहुई शाग हूँ गोटे प्रकार सेलुलोजुक्त खाद्य अग्नाश क्यों थाए पानक्रियाज क्यों थाए यार कार्य कौन देख पाकस्थल ठीक तौक गोटे घी रंगर ग्रंथि अच्छी यहाँ अग्नाश कहुए श्वेत सार स्नेह सार पुषार जितिय खाद्य हजम करें अग्नाश आमको अग्नाश रस आमको साय कै। बार नंबर क्वेश्चन कस्तम खस्तम जोड़ से कही ओके तो जोड़ देख लाल ग्रंथी पे कौन हम लाल ग्रंथी आम लाल अंशर क्षरण पाकशी हम पे पाचक रस जकृत हम तुम जकृत पीतरस क्षुद्रांतर हम हजम क्रिया बृहतंत्र हम तुम खाद्रा अंश निष्कासन एति आस शरीर क्यों क्यों अंश में निम्नलिखित खाद्य गुड़िक हजम होता है श्वेतसा जाते खाद्य कौट हजम होटी आद्रांत कौटे कौटे पटे आद्रांत पुष्टि जाते खाद्य कौट हो ना पाकस्थल आद्रांत पाकस्थल आद्रांत चर्बी जातीय खाद्य ग्रहणी आद्रांत समस्त खाद्य सार क्षुद्रांत सब जगह क्षुद्रांत क्षुद्रांत कमन अच्छे। चौदह नंबर क्वेश्चन परिपाक विभाग विभिन्न अंशर नाम चित्र रे दर्शाओ। ओके चौदह नंबर क्वेश्चन देख देख पे ए प्रकार डायग्राम देख यहाँ हूँ मुख गहर यहाँ आस खाद्य नली यहाँ आस परिपाक विभाग मलकोष्ठ यहाँ हूँ आम बृहतंत्र यहाँ हूँ क्षुद्रांत यहाँ हूँ पाकस्थली ठीक अच्छे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देख कौन बुझ हजम क्रिया खाद्य ग्रहण देख हजम क्रिया तो खाद्यर सरलीकरण को हजम क्रिया कहुए
खाद्य ग्रहण तो खाद्य खाइबा को खाद्य ग्रहण लिख जाए। आत्मिकरण तो कौन ना भिलीर उपस्थिति जो रक्तकोशिक नली द्वारा शोषित खाद्य सार सर विनंश हो जाए ताको आत्मिकरण बोली कह जाए। खाद्य निष्कासन कौन ना खाद्यर खदड़ा अंश मल द्वारा दे बाहर को निष्कासित हुए यह खाद्य निष्कासन कहे। दुग्ध दात कौन ना पिलाकर प्रथम दात को दुग्ध दात कहते यह अस्थायी अटे भांगी जो यहाँ स्थायी दात कौन ना दुग्ध दात पड़ा पर उठा दात को स्थायी दात कहते। पाकुड़ी करवा बोले कौन पाकुड़ कर रोमंथन प्राणी मैंने खाई खाद्य को रुमेन रु पटर आनी चोबे चोबे खाई था यहाँ पाकुड़ी करवा बोले कह जाए। ओके तो देख पे 16 नंबर क्वेश्चन कारण दर्शाव बोल दी खाया परे दांत पाटी सफा करिया कहीं देख खाया परे पाटी भितर आ दात लगी खाद्य को केतक क्षतिकारक बैक्टेरिया पचाई अम्ल सृष्टि करती ता दात को कौन कर दिए ना नष्ट कर दिए पे तेणु खाया परे दांत पाटी को भलि सफा करवा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट आसला खाद्य खाइबा समय कथबार्ता करवा उचित नुहे कहीं खाद्य खाइबा बेले कथबार्ता कले बेले खाद्य श्वासनली संस्पर्शन आसिले आमको खास हुए बेले नाक आखिर मत पा भारी पड़े तेणु खाद्य खाया बेले कथा खाइबा नहीं। मनुष्य सेलुलोज जातीय खाद्य सहजरे हजम करिबार नाही काहेकि ना मनुष्यर सिकम नथिबारु सेलुलोज जातीय खाद्य हजम करिबार नाही। सेलुलोज जातीय खाद्य सिकम मध्यरे बैक्टेरिया द्वारा हजम होइ पारे जोटा कि आम बॉडी रे नाही। निशासरा झाड़ा रोगी को अवहेला करिबा उचित नुहे काहेकि देख खाद्य हजम नहले बा खाद्य विषाक्त हेले खाद्य रे जीवाणुर प्रादुर्भाव हेले झाड़ा रोग हुए तेणु झाड़ा रोगी को अवहेला करिबा उचित नुहे कारण झाड़ा हेले शरीर जलीय अंश कमी जा फलते रोगी मृत्यु मुखर पड़े। खाद्य को आस्ते आस्ते चोबे खाइबा कहीं खाद्य को आस्ते आस्ते चोबे खाइले खाद्य सहजरे गुंड होता है हजम प्रक्रिया सहज हो पारे। आस्ते आस्ते चोबे खाइले मुख गहरु लाल ठीक रूपे निर्गत हो हजम क्रिया रे साहाज्य से करथाय। मनुष्य शरीर जदि अग्न्याशय न था तेज कौन हाँ देख पे मनुष्य शरीर अग्न्याशय नी अग्न्याशय रस क्षत हो न था फल श्वेतसार स्नेहसार भूस जातीय खाद्य हजम हो न था सरलीकृत हो न था खाद्य हजम प्रक्रिया बाधा पाई था। तो पे प्रकार आम यार समस्त प्रश्न तो वीडियो डिस्कस कले आशा करीडियो समस्त पसंद आस पसंद आस लाइक करवा चैनल को सब्सक्राइब करवा ठीक अच्छे। थैंक यू सो मच।